नमस्कार, आप देख रहे हैं जी एन भारत और मैं हूँ राशिका बजाज। और जैसा कि अभी दुर्गा पूजा का त्यौहार चल रहा है और ये माँ दुर्गा की आप देख सकते हैं पीछे माँ की तस्वीर, आप मेरे कैमरा के माध्यम से, मेरे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं माँ की तस्वीर। कितना ही अद्भुत नज़ारा है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं कि आम जनता की भीड़, ढोल वाले भैया खड़े हैं और आम जनता की भीड़ को भी आप देख सकते हैं कि जो कोरोना के टाइम से यहाँ पर पब्लिक और जो भी भक्त हैं वो नहीं दिख रहे थे, वो आज आप देख रहे हैं कि प्रशासन की और जो भी सेवादार हैं, आप देख सकते हैं कितनी तैनाती की गई है इस बार। काफ़ी जोरों शोरों से, धूमधाम से ये जो दुर्गा पूजा का त्यौहार है वो मनाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं इस बार दुर्गा पूजा को देखने के लिए लोग बाहर से भी आ रहे हैं और कोरोना के बाद से काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रहा है। वहीं चलिए आज हम आम दर्शक से और आम भक्तों से बात करते हैं बाहर चल के कि लोग कहना क्या चाहती है। और आइए हमारे साथ जो भी मौजूद है उनसे बात करते हैं कि क्या कड़ी निगरानी रखी जा रही है, बताइए। हम लोग अपने अनुसार से अच्छी कड़ी निगरानी रख रहे हैं, देखा जा रहा है कि कुछ गलत कोई सामान लेके ना आए। और ज़्यादा अभी तो भीड़ में ही तो लोग व्यस्त हैं, जिस कारण अभी तो सबको बस वही निगरानी रखा जा रहा है। तो जैसा कि आपने सुना कि काफ़ी निगरानी अच्छी तरीके से रखी जा रही है, वहीं हम बाहर चलते हैं और आम जनता से भी बात करते हैं, उनका भी राय लेते हैं कि क्या कुछ नज़ारा उनको देखने को, क्या कुछ नया उनको देखने को मिल रहा है। और इस 3 दिनों में भी काफ़ी भीड़ उमड़ सकती है क्योंकि कोरोना के 2 सालों के बाद ये जो दुर्गा पूजा आया है इसमें कहीं ना कहीं लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। अच्छा लग रहा है कि इतना आदमी भीड़ के साथ आ रहे हैं और बहुत उल्लास के साथ हम लोग पूजा कर रहे हैं, इसलिए हमें बहुत खुशी है। और आप लोग के सहयोग से हम आज ये पूजा कर पाए हैं और चाहते हैं आगे भी इससे अच्छा पूजा करें। धन्यवाद। तो क्या भक्तों को संभालने में अगर एक साथ काफ़ी भीड़ उमड़ जाएगी कोरोना के 2 सालों के बाद तो परेशानी नहीं होगी? नहीं, इस बार परेशानी की कोई संभावना नहीं है। उसके लिए हमारे महिला पुरुष का द्वार के लिए अलग अलग से बनाया गया है और हम लोग काफ़ी दिनों से पूजा करते हुए आ रहे और इससे भी भव्य पूजा करते आएंगे। और सभी को जय माता दी। दुर्गा पूजा का क्या महत्व है, आखिर क्यों मनाया जाता है? सबसे पहले तो शिव दुर्गा मंदिर दुर्गा पूजा की तरफ से तमाम रांची वासियों और भारत वासियों को हार्दिक बधाई और हार्दिक स्वागत करते हैं। दुर्गा पूजा माँ भगवती के द्वारा महिषासुर मर्दानी की को वध किए थे उसके उपलक्ष्य में दुर्गा पूजा मनाया जाता है। साथ ही साथ राम भगवान के द्वारा जब जीत हासिल किए गए थे तब उसके उपलक्ष्य में भी दशहरा मनाया जाता है। और आने वाला समय में जो महत्व है दिन दुगुना 4 बढ़ते ही जा रहा है और इससे भी भव्य पूजा करेंगे। इसके लिए आप लोगों का भी धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे पूजा प्रांगण में आए और तहे दिल से भी स्वागत करते हैं। जय माता दी। हम आपके माध्यम से, आपके जितने दर्शक हैं और माता रानी के जितने भक्त हैं उनको नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। माता रानी का पूजा हम लोग 2 साल के बाद कोरोना महामारी के बाद इतने भव्य रूप से मना रहे हैं, जैसा कि आप सब देख सकते हैं 2 साल पूजा हुआ नहीं था। उसके बाद हम लोग बहुत मेहनत से और भक्त लोग के सहयोग से, धन राशि से हम इस पूजा का सफल आयोजन कर रहे हैं। तो माता रानी से यही प्रार्थना करते हैं कि जो थोड़ा बहुत बारिश हो रहा है उसको ही बंद करवा दें ताकि लोग को घूमने में सहूलियत और हम लोग का जो मेहनत हुआ है उसे लोग देख पाए।
अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।